तो दोस्तों आप भी नाइट फोटोग्राफी करना चाहते हो वो भी वीवो T3 से, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ वीवो T3 का नाइट कैमरा टेस्ट। स्पेशली नाइट मोड को यूज़ करते हुए मैंने बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं और हमने जो चांद पे भी जूम किया है, तो देखते हैं एग्जैक्टली वीवो T3 का नाइट कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo T3 5G और गाइज यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 विथ OIS प्लस 2 मेगापिक्सल का एक बुके कैमरा देखने को मिल जाता है। तीसरा कैमरा नहीं है, फ्लिकर सेंसर दिया गया हुआ है। और गाइस बात करते हैं इसी फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 10x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 10x जूम करके बड़े आराम से फोटोज़ वगैरह जो क्लिक कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि सुपर मून हो गया और नाइट का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। खास करके आज हम इसका नाइट कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, तो जो नाइट मोड है वही हम आज यूज़ करने वाले हैं। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों फिलहाल ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Vivo T3 के सेल्फी कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि आप देख सकते हो मैं छत पे हूँ फिलहाल और यहाँ पे ऐसा अंधेरा है। और आप इसके सेल्फी कैमरे से नाइट में वीडियोस क्लिक करते हो तो इसका सेल्फी कैमरे से वीडियो क्वालिटी जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इसका नाइट सेल्फी कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Vivo T3 के रियर कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि यहाँ पे इसकी फ्लैश लाइट जो है वो बैक साइड पे वो मैंने ऑन की है, यानी कि ऐसा पूरा अंधेरा है और आप वीडियोस क्लिक करते हो इसी Vivo T3 से तो इसका नाइट कैमरा क्वालिटी रियर कैमरे से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और फिलहाल ये जो वीडियो देख रहे हो वो है 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस आपको इसका नाइट वीडियोग्राफी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी तो आपने फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी Vivo T3 5G के फ्रंट एंड रियर कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इसका नाइट कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो नो डाउट इसका नाइट कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही सही है, यानी कि आपको जो भी नाइट फीचर्स चाहिए वो इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। जस्ट एग्जाम्पल सुपर मून,
तो आप नाइट में चांद की भी फोटोज जो ले सकते हो, जो कि हमने भी क्लिक की थी, आपने देखा होगा फोटोग्राफी के अंदर। और नाइट में इसका वीडियो भी अच्छा आता है, 4K वीडियो तक आप जो रिकॉर्ड कर सकते हो, और जूमिंग भी अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि कुछ इतने पिक्सल्स फटते नहीं ज़्यादा जूम करने से भी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो नाइट का कैमरा क्वालिटी वीवो T3 का मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बट चॉइस इज योर्स, आपकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप स्मार्टफोन को जो बाय कर सकते हो। तो इसके आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।